जब माथा दुख रहा है आपका या सिर का दुखना हो रहा है, कई बार आधा शीशी सरदर्द भी होता है लोगों को, तो बस नीलगिरी का तेल जो होता है वो आधे हिस्से में, जिस हिस्से में दर्द हो रहा है वहाँ पे लगाना चाहिए, तो जो रिलैक्स करता है इन्फ्लेमेशन को, दर्द को, और किसी तरह की स्वेलिंग आई हो बॉडी पार्ट्स में, तो इसके तेल को लगाने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त हर्बल आचार्य यानी दीपक आचार्य। गांव कनेक्शन के इस माध्यम से आप तरह तरह की हर्बल टिप्स देखते हैं, सुनते हैं मुझसे। इस बार मैं खड़ा हूं नीलगिरी के एक पेड़ के पास में। नीलगिरी के काफ़ी सारे पेड़ यहां पे कतारों से लगे हैं इस गांव में, और नीलगिरी के पास जब खड़ा हूं तो बात नीलगिरी की ही करूँगा। नीलगिरी का तेल आप सभी जानते हैं, मेहंदी लगाने के बाद में जिस तेल को हथेली पर लगाया जाता है ताकि मेहंदी की रंगत ज़्यादा बेहतर हो जाए, वो नीलगिरी का तेल होता है। और नीलगिरी के तेल की खासियत ये है कि ये इतना, इसका फ्रेग्रेंस इतना सूदिंग होता है कि इसे तमाम तरह के जो परफ्यूम्स हैं, परफ्यूमरी इंडस्ट्री है, वहाँ पर इसको तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नीलगिरी का तेल यदि आपको मिल जाए आसानी से, नीलगिरी के जो बीजों से निकलता है, उसकी पत्तियों से भी तेल निकलता है, तो उस तेल को आप इस्तेमाल में लाएं अलग अलग तरह से, जो मैं आपको बताऊंगा। इनमें से एक खास है, नीलगिरी के तेल को आप एक आधा बाल्टी जो पानी है उसके अंदर में 3-4 बूंदें इसकी डाल देंगे, और उसके बाद में मॉपिंग करेंगे, फ्लोर की पोछा करेंगे उससे, उस पानी से, तो जो जो मॉस्किटोज़ हैं, जो मच्छर हैं और जो इंसेक्ट्स हैं वहाँ से, वो रिपेल होना शुरू हो जाएंगे, भागना शुरू हो जाएंगे। तो मच्छरों को भगाने वाली जो जितनी तमाम जो औषधियाँ होती हैं, चाहे वो हर्बल हो या चाहे सिंथेटिक हो, उसमें बहुत सारी मेडिसिंस में नीलगिरी का तेल इस्तेमाल में लाया जाता है। तो नीलगिरी के तेल को इस्तेमाल में लाएं इस तरह से, आप लोकल इंडिजिनस वे से, तो बस आप मच्छरों से दूर रहेंगे, तमाम तरह के इंसेक्ट और पेस्ट से भी दूर रहेंगे। इसके अलावा एक और ख़ास बात बता दूं नीलगिरी के तेल की, कि जब माथा दुख रहा है आपका या सिर का दुखना हो रहा है, कई बार आधा शीशी सरदर्द भी होता है लोगों को, तो बस नीलगिरी का तेल जो होता है वो आधे हिस्से में, जिस हिस्से में दर्द हो रहा है वहाँ पर लगाना चाहिए, तो जो रिलैक्स करता है इन्फ्लेमेशन को, दर्द को, और किसी तरह की स्वेलिंग आई हो बॉडी पार्ट्स में, तो इसके तेल को लगाने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो बस नीलगिरी के तेल की खासियत बताया, बात निकली है तो, क्योंकि खड़ा था मैं नीलगिरी के कतारों के साथ में, तो बस फिर कहीं और किसी जगह पर, किसी और पेड़ों के आसपास में, पौधों के आसपास में जाकर खड़ा रहूँगा, मैं मिलूँगा, बातचीत करूँगा, उनके बारे में आपको बताऊँगा। बस देखते रहिए हम, मुझे इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर, और जुड़े रहिए हमसे, बनाए रखिए अपना कनेक्शन। मिलेंगे फिर एक बार फिर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।